Subscribe to NVC for maths and press the bell icon to never miss any updates. जो खो गया उसके लिए रोया नहीं करते, जो खो गया उसके लिए रोया नहीं करते, जो पा लिया उसे खोया नहीं करते, उनके ही सितारे चमकते हैं, बच्चों ध्यान दीजिएगा, उनके ही सितारे चमकते हैं, जो मजबूरियों का रोना रोया नहीं करते, रोया नहीं करते। समझ रहे हैं बातों को? हाँ, आइए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में कहता है, इफ टेन ए प्लस बी इक्वल टू रूट 3 दिया हुआ है और टेन ए माइनस बी इक्वल टू वन बाई रूट 3 दिया हुआ है। इसमें क्वेश्चन में कह रहा है बच्चों कि ए प्लस बी का जो वैल्यू होना चाहिए वो 0 और 90 के बीच में लाई करे, और जहां ये भी दिया हुआ है कि ए जो है ग्रेटर देन बी है, ए इज ग्रेटर देन बी, ओके। तब फाइंड करने के लिए बोल रहा है कि ए और बी का वैल्यू हमको फाइंड करके दीजिए। आइए, बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, मजेदार क्वेश्चन है, और मैं बता दूं आपको ये वीवीआई क्वेश्चन है आपके लिए, वीवीआई क्वेश्चन है बोर्ड के लिए, ध्यान दीजिएगा इसको। तो हम लोग इस क्वेश्चन को जब सोल्यूशन करेंगे तो यहाँ हम लोग लेकर चलेंगे, क्वेश्चन में गिवेन क्या दिया हुआ है भाई, गिवेन दैट देकर रखा है क्वेश्चन में कि टेन ए प्लस बी, टेन ए प्लस बी इक्वल टू रूट 3 दिया हुआ है। अब आप जानते हो अच्छे से कि टेन ए प्लस बी इक्वल टू रूट 3 के जगह पे टेन का कौन सा वैल्यू हम पुट कर सकते हैं, तो टेन का वैल्यू रूट 3 में जो होगा वो 60 में होगा, टेन 60 होगा, ठीक है। अब देखिए दोनों इक्वल है तो 10 से 10 एलिमिनेट हो जाएगा और बचेगा क्या, a प्लस बी इक्वल टू 60, a प्लस बी इक्वल टू क्या होगा 60, 10 से 10 क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, ओके। आइए अब यहां से आप ये कर सकते हो कि a इक्वल टू 60 माइनस बी भी आप लिख सकते हो, लिखने में कहीं कोई दिक्कत नहीं है, मेरी बातों को आप समझ रहे हैं। उसी तरीके से फिर से दिया हुआ है क्वेश्चन में हमको आगे गिवेन एक चीज और दे दिया है कि टेन ए माइनस बी, टेन ए माइनस बी इक्वल टू देख रखा है क्वेश्चन में 1/√3, और बहुत अच्छे से बच्चों आप जानते हो कि टेन में रूट 3 किसका वैल्यू होता है, टेन में रूट 3 का वैल्यू 1/√3 का 30 में होता है, जानते हो ना। तो हम यहाँ से फिर से वही काम करेंगे, टेन से टेन एलिमिनेट हो जाएगा तो ए माइनस बी इक्वल टू क्या हो जाएगा, 30 हो जाएगा। अच्छे से जरा समझ रहे हैं, मैं आपको आगे लेकर चलूं तो आप अभी निकाल कर रखे थे कि a इक्वल टू 60 माइनस बी है ना, तो क्या इस a के जगह पर ये वैल्यू पुट कर सकते हैं, अच्छे से पुट कर सकते हैं। तो आप इस वैल्यू को आप लिख सकते हो पुटिंग द वैल्यू ऑफ a इन इक्वेशन सेकेंड, है ना, इसको मैंने सेकेंड नहीं लगाया, अब सेकेंड इसको लगा लेना, है ना, ये हमारा क्या हो गया, सेकेंड हो गया। अब यहाँ पे आप a का वैल्यू जब पुट करोगे तो a का वैल्यू कितना है, 60 माइनस बी, और पहले से एक माइनस b रखा हुआ था उसको भी हम लिख ही देते हैं, i इक्वल टू क्या हो जाएगा, 30 हो जाएगा। आप इसको थोड़ा सॉल्व करना, माइनस बी माइनस 2b और ये 60, 30 की ओर जाएगा तो माइनस 30 बचेगा, है ना, सब्ट्रैक्ट हुआ तो ये कैंसिल, 2 से ये कैंसिल, b इक्वल टू क्या मिलेगा, b इक्वल टू 15 मिलेगा, b कितना हो गया, 15 डिग्री हो गया। अब b जब 15 मिल गया तो 1 हम इक्वेशन फर्स्ट से निकाल सकते हैं, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट से अगर हम चलें तो a इक्वल टू क्या दिया है, 60 माइनस बी, तो 60 माइनस 15 यानी कितना, 45 डिग्री, a इक्वल टू कितना हो जाएगा बच्चों, 45 डिग्री। मुझे लगता है कि आप समझ पा रहे होंगे क्वेश्चन को, ये पूरी तरह से सेटिस्फाई कर लिया, a प्लस बी का वैल्यू 60 हो जाएगा, दोनों को आप ऐड करोगे तो 60 होगा, 0 से बड़ा होता है 60 और 90 से छोटा होता है 60, आ गया। फिर कह रहा था सेकेंड पार्ट में कि a इज ग्रेटर देन b, a क्या ग्रेटर है b से, बिल्कुल है भाई, 45 बड़ा है किससे, 15 से, तो मुझे लगता है कि आपको समझ में आया होगा, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को आप सॉल्व करना अच्छे से, 1-2 बार 3 बार और बनाने का प्रयास करना, आप जितना हो सके इसको बनाइए, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट आपके लिए ये क्वेश्चन है, ओके। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट
क्वेश्चन में नेक्स्ट वीडियो के साथ।